हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैवरिक मरीनर। दिस चैनल इज डेडिकेटेड टू ऑल द मरीन इंजीनियर्स गिविंग देयर MEO कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स। आई विल गाइड यू थ्रू वेरियस टॉपिक्स इन माय अपकमिंग वीडियोस। स्टे ट्यून्ड। कम ऑन, लेट्स सी अबाउट मापोल एनेक्स 6। वील सीइंग अबाउट सिम्प, that is Shipboard Energy Efficiency Management Plan. Now, what is SIMP and where are the regulations written? SIMP comes under MAPOL Annex 6, Chapter 4, Regulation 22. It was adopted in July 2011 in MEPC 62 session. It was adopted along with EEDI. SIMP is applicable, or rather it entered into force on 1st of January 2013. Then SIMP is applicable to all ships greater than equal to 400 GT on international voyages. SIMP is not applicable for platforms, drilling rigs and those not propelled by mechanical means such as dumb barges. Now SIMP is a plan. SIMP is a plan and SIMP is ship specific. Matlab, मेरे शिप का प्लान और आपके शिप का प्लान अलग अलग रहेगा। सो हर शिप का एक अलग से सिम्प का प्लान रहेगा। एंड दिस प्लान इज अप्रूव्ड बाय एडमिन, दैट इज इट इज अप्रूव्ड बाय द फ्लैग। सिम्प इज बेस्ड ऑन IMO गाइडलाइंस। सिम्प मे ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ शिप्स SMS, माने आपके शिप के SMS में ये प्रोसीजर्स इंक्लूड किए रहेंगे जो सिम्प के गाइडलाइंस पे बेस्ड रहेंगे। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द सिम्प प्रोसेस। सिम्प इज अ मैनेजमेंट टूल, ये कोई अलग से कुछ है नहीं, वो एक मैनेजमेंट टूल है विच इज रिक्वायर्ड टू मेक श्योर दैट योर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम द शिप इज रिड्यूस्ड, ठीक है ना, ताकि फ्यूल का वेस्टेज कम हो। अब ये जो सिम्प है वो फोर पार्ट साइकिल में है। इसका फर्स्ट पार्ट है आपका प्लानिंग, उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद आता है मॉनिटरिंग, और उसके बाद आता है इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट। सो इट्स अ फोर पार्ट साइक्लिक प्रोसेस वेयर फर्स्ट पार्ट इज प्लानिंग, देन कम्स इम्प्लीमेंटेशन, then comes monitoring, then comes evaluation and improvement. Now let us see one by one each part. So let us see first the planning part of it. Planning mein kya hai? Planning bhi IMO ne divide karke rakha hua hai aur wo char parts mein divide karke rakha hai. Planning bhi char parts mein divide karke rakha hai. So you will find first part is ship specific. शिप स्पेसिफिक में क्या होता है, उसमें तुम्हारे जनरल शिप के ऑपरेशंस और उसका जो मेंटेनेंस रहता है वो आता है। ताकि क्या होता है, जैसे योर शिप इज गोइंग फ्रॉम पोर्ट ए टू पोर्ट बी, तो द राउट शुड बी ऑप्टिमम, सो दैट मतलब इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द वेदर योर राउट शुड बी बेस्ट सिलेक्टेड सो दैट you can avoid high seas, currents, opposing currents, possible hai to, so that aapka fuel consumption reduce ho jata hai, theek hai na, jaise weather bahut zyada strong rahega to aapko zyada fuel lagega ship ka speed maintain karne mein, to that is why weather routing is an important part in ship specific planning. Then comes speed optimization. Speed optimization mein kya hota hai, every ship will have one particular speed at which it will consume least amount of fuel. For example, अगर आपके ship पे bulbous bow लगा हुआ है तो bulbous bow एक particular speed के नीचे ineffective रहता है, actually वो friction आपका increase करेगा लेकिन एक particular speed के ऊपर ही वो effective रहता है, तो you maintain that particular speed जहां से bulbous bow आपका एफिशिएंट रहेगा ताकि आपका फ्यूल कंजम्पशन मिनिमम रहेगा। ये एक पार्ट हो गया
सो ये होता है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। नाउ कम्स हल मेंटेनेंस। व्हाट हैपेंस इन हल मेंटेनेंस इज इफ देर इज मरीन ग्रोथ ऑन द हल देन इट विल इंक्रीज द ड्रैग, मतलब इट विल इंक्रीज योर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। और अगर आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो नेचुरली आपका सेम स्पीड मेंटेन करने को यू विल हैव टू बर्न क्वाइट अ लॉट ऑफ फ्यूल। सो इस वजह से हल मेंटेनेंस इज कैरिड आउट एट रेगुलर इंटरवल्स सो दैट योर फ्यूल कंजम्पशन इज मिनिमम। नाउ व्हाट ऑल इज डन इन हल मेंटेनेंस इज हल क्लीनिंग इज डन, जहां पे डाइवर्स डाइव करेंगे और शिप का हल क्लीन करेंगे। देन कम्स प्रोपेलर पॉलिशिंग। सो वहां पे भी डाइवर्स डाइव करके आपका प्रोपेलर क्लीन करते हैं। बाय दिस यू कैन मेक श्योर योर हल सरफेस इज ऑलवेज स्मूथ एंड यू हैव मिनिमम फ्रिक्शन। उसके बाद आता है कंपनी स्पेसिफिक। अब कंपनी स्पेसिफिक में क्या होता है, जो जो कि वॉयज वगैरह सब डिसाइड करने वाले लोग रहते हैं, तो वो लोग आपकी वॉयज का प्लानिंग ऐसे करेंगे कि योर शिप अराइव्स एट द पोर्ट जस्ट इन टाइम। मतलब क्या होगा, आप ऑप्टिमम स्पीड पे आओगे, देन इंस्टेड ऑफ पुटिंग एंकर एंड वेटिंग फॉर योर टर्न यू विल कम जस्ट इन टाइम। माने आप आओगे, पायलट बोर्ड करेगा, आप सीधा बर्थ पे जाओगे। बाय दिस व्हाट हैपेंस इज यू डू नॉट कम अननेसेसरीली एट अ हायर स्पीड बर्निंग मोर फ्यूल देन अगेन कम एंड वेट एट एंकरेज अगेन बर्न मोर फ्यूल। इससे अच्छा आप ऑप्टिमम स्पीड पे आओ एंड देन यू डायरेक्टली बर्थ। सो दिस पार्ट कम्स अंडर वॉयज प्लानिंग। तो वॉयज प्लानिंग जो रहता है वो कंपनी के लोग सही से करना चाहिए उन्होंने, तो ये प्लानिंग में आता है। अभी इन दिस EEOI जो मॉनिटरिंग पार्ट है वो कैलकुलेशंस में हम लोग बलास्ट पैसेजेस भी इंक्लूड करते हैं। सो दैट इज द रीजन द कंपनी प्लान्स योर वॉयजेस इन सच अ वे दैट यू हैव मिनिमम बैलेंस पैसेज। मतलब आप अगर लोडेड फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट से ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो डिस्चार्जिंग करने के लिए, तो कंपनी कोशिश करेगी कि ऑस्ट्रेलिया के नियर बाय पोर्ट में ही आपकी अगली लोडिंग हो ताकि आपका बलास्ट पैसेज मिनिमम रहेगा। इसकी वजह से आपका EEOI कम आएगा ऑटोमेटिकली, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। सो आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट लेटर ऑन। अब देखते हैं ट्रेनिंग पार्ट ऑफ इट। ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में आपको ऐसा प्लान करना होता है कि आपका शिप का क्रू और ऑफिस का स्टाफ दोनों बढ़िया से ट्रेंड हो। वो ट्रेंड इस तरीके से हो ताकि उनमें अवेयरनेस जनरेट हो जाए और उनको स्पेसिफिक प्रोसीजर सिखाए जाए सो दैट योर कार्बन एमिशन इज रिड्यूस्ड। दैट इज योर गोल। आपका अल्टीमेट गोल ऑफ सिम्प इज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। नाउ द फोर्थ पार्ट इन प्लानिंग कम्स गोल। तो गोल्स में क्या होता है, योर कंपनी जनरली सेट्स गोल्स कि मिनिमम फ्यूल वेस्टेज कैसे हो, दूसरा आपका फ्यूल कंजम्पशन कैसे लिमिट करे ताकि आपका मिनिमम वेस्टेज रहे। ये एक पार्ट है, ये एक गोल सेटिंग है। तो ये गोल को अपने को अचीव करने का है, तो आपके पहले तीन जो पॉइंट है दोज विल मेक श्योर दैट यू अचीव, यू ट्राई टू अचीव द गोल विच इज सेट इन द फोर्थ पार्ट ऑफ प्लानिंग। अब देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ इट। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन में यू हैव टू नाउ इम्प्लीमेंट व्हाट यू हैड प्लान्ड। सो उसमें क्या होता है, तुम्हारे स्पेसिफिक प्रोसीजर्स रहते हैं, लिखे हुए रहते हो प्रोसीजर्स, जो फॉलो करने से आपका जो प्लान है वो आपको अचीव करने का है, आपका जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट करने का है, आपके गोल सेटिंग जो थे वो अचीव करने के है। सो ओवर हियर फॉर एग्जाम्पल कंपनी स्पेसिफिक प्रोसीजर्स में क्या रहेगा, दे विल असाइन सर्टन ड्यूटीज टू शोर स्टाफ। फॉर एग्जाम्पल आपका वॉयज प्लानर जो है उसको ड्यूटी ऐसी ही असाइन की जाएगी कि आप मिनिमम बैलेंस पैसेज रखोगे, जो मैं पहले बोल रहा था। उसके बाद आता है शिप स्पेसिफिक प्रोसीजर्स। ओवर हियर
द प्रोसीजर्स एंड ड्यूटीज आर असाइंड, देयर आर प्रोसीजर्स रिटन, और ड्यूटीज असाइन की जाती है क्रू मेंबर्स को ताकि आपका फ्यूल कंजम्पशन लिमिट करे, ताकि जैसे मैंने बताया था, जैसे सेकंड ऑफिसर को एक ड्यूटी रहेगा जो अच्छी तरीके से आपकी वॉयज प्लान करेगा, रूट जो पैसेज प्लान करता है ना, वो मिनिमम मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, और वो वेदर के हिसाब से जो वेदर अपडेट्स आते रहते हैं तो उसको इनकॉर्पोरेट करेगा ताकि आपके शिप को हैवी वेदर फेस ना करना पड़े। ये एग्जाम्पल है ड्यूटीज असाइन की जाने वाली जिसकी वजह से हम लोग सिंप कंप्लाई कर सकते। नाउ कम्स द ट्रेनिंग पार्ट ऑफ इट। नाउ ओवर हियर द प्रोसीजर्स आर रिटर्न हाउ टू ट्रेन शिप्स क्रू एंड शोर पर्सनल। ठीक है, तो ये होता है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ इट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं जो कि होता है मॉनिटरिंग। नाउ व्हाट हैपेंस इन मॉनिटरिंग इज आईएमओ हैज रेकमेंडेड अ टूल एंड दैट टूल इज नोन एज एनर्जी एफिशिएंसी ऑपरेशनल इंडेक्स। ये शिप के डे टू डे ऑपरेशंस में इसका काम आता है। अभी आपने EEDI अटेंड जो पहले देखा था वो एक ही बार होता है सी ट्रायल के टाइम पे, या शिप के ऊपर कोई मेजर मॉडिफिकेशन किया गया है प्रोपल्शन मशीनरी और हल स्ट्रक्चर में। लेकिन ये EEOI जो है ये बार बार कैलकुलेट किया जाता है, ये शिप के नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस में होता है। सो दिस इज एन आईएमओ रेकमेंडेड टूल। नाउ लेट अस सी EEOI क्या होता है। नाउ बराबर देखो, ध्यान देना। EEOI में क्या होता है, EEOI में आपको फ्यूल कंज्यूम कितना हुआ मेट्रिक टन्स में वो देने का है, आपका कार्बन कन्वर्जन फैक्टर होता है, फिर आपने कितने टन्स का कार्गो कैरी किया है और वो कार्गो कैरी करके आपने कितना डिस्टेंस अचीव किया है। सो दिस विल कम इन नॉटिकल माइल्स। नाउ आई विल शॉर्टली एक्सप्लेन यू, इन शॉर्ट आई मीन इन शॉर्ट आई एक्सप्लेन यू कार्बन कन्वर्जन फैक्टर। ये जो फैक्टर है ये फ्यूल डिपेंडेंट है, दिस इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द फ्यूल। सो डीओ के लिए इतना है, एचएफओ के लिए इतना है, और एलएनजी के लिए इतना है। याद रखना ये चीज, दिस इज टाइम डिपेंडेंट। ये सब वैल्यूज डाल के आप EEOI कैलकुलेट करते हो। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं इसका। नाउ यू सी व्हाट आई हैड टोल्ड इनिशियली दैट बलास्ट पैसेजेस आर इंक्लूडेड इन EEOI कैलकुलेशंस। अब मैं बताता हूं क्या होता है। जैसे शिप ने पोर्ट ए पे कार्गो लोड किया, शिप ने पोर्ट ए पे कार्गो लोड किया, ये पोर्ट पे शिप ने कार्गो लोड किया, फिर ये लोडेड पैसेज में शिप गया पोर्ट बी पे, यहाँ पे उसने डिस्चार्ज किया, फिर वापस शिप निकला बैलेस्ट पैसेज में, वो पोर्ट सी पे लोडिंग करके डिपार्ट किया। सो डिपार्चर फ्रॉम पॉइंट ए, सॉरी डिपार्चर फ्रॉम पोर्ट ए टू डिपार्चर ऑफ पोर्ट सी इज कंसिडर्ड एज वन वॉयज। समझ में आया, वन वॉयज इज इक्वल टू डिपार्चर फ्रॉम पोर्ट ए टू डिपार्चर ऑफ पोर्ट सी। तो ये एंटायर जो डिस्टेंस है ये मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये जो एंटायर डिस्टेंस है वो ये है फॉर एग्जाम्पल। फिर जहाज ने 1000 टन का फ्यूल कंज्यूम किया सेलिंग के टाइम पे, 10 टन का तुम्हारा LSMGO कंज्यूम हुआ कार्गो ऑपरेशंस में, एंड शिप हैज कैरी 10,000 टन्स ऑफ कार्गो। सो योर EEOI विल बी, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, 10 टन्स LSMGO, 10 टन्स का LSMGO का कार्बन कन्वर्जन फैक्टर, प्लस समझो वापस प्लस HFO 1000 टन जो सेलिंग में कंज्यूम किया, और HFO कार्बन कन्वर्जन फैक्टर का मल्टीप्लाइड बाय 10,000 जो कि आपका कार्गो कैरीड है, और ये टोटल डिस्टेंस है विच इज 5,000 नॉटिकल माइल्स, विच इज लोडेड पैसेज प्लस बैलेस्ट पैसेज, माने पोर्ट ए डिपार्चर से पोर्ट सी डिपार्चर तक का शिप का कवर्ड डिस्टेंस इज 5,000 नॉटिकल माइल्स। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ EEOI। नाउ वी विल सी इवेल्युएट एंड इम्प्रूव।
व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन दिस, यहाँ पे क्या किया है, प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं जो हमने ईओआई निकाला उसके ट्रेंड्स को इवेल्युएट करने को प्रोसीजर्स दिए जाते हैं। नाउ प्रोसीजर्स विल ऑल्सो बी लेड टू एनालाइज द डेटा। अभी आपने ट्रेंड तो बना लिया, अब माने 10 वॉयज का आपने ट्रेंड बना लिया, तो आप चेक करोगे कि हर वॉयज में ईओआई कितना आया। जहाँ पे मिनिमम ईओआई रहेगा दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ वॉयज। सो आप वो डेटा जो है वो एनालाइज कैसे करते हैं, उसके प्रोसीजर्स दिए जाते हैं। देन टूल्स आर ऑल्सो मेड टू वेरीफाई वेदर योर प्लानिंग वॉज गुड। आपका जो फर्स्ट पार्ट है प्लान, वो सही है कि नहीं है, वो भी दिया जाता है। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज इम्प्रूवमेंट्स टू बी डन। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई वेयर योर प्लान हैज गॉन रॉन्ग, और जो प्लान एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं हुआ वो आपको आइडेंटिफाई करने का है। देन यू विल हैव टू इम्प्रूव दैट, माने आपको सर्टन प्रोसीजर्स मॉडिफाई करने पड़ेंगे कि आपका प्लानिंग इम्प्रूव हो, आपकी ईओआई इम्प्रूव हो, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो, जो अपना अल्टीमेट गोल है सिंप का। नाउ ध्यान से देखो, अभी इसमें वो भी प्रोसीजर्स इंक्लूड किए जाते हैं दैट हाउ टू इम्प्लीमेंट द इम्प्रूवमेंट्स इन सिंप। अभी पिछले स्टेप में आपने इम्प्रूवमेंट्स तो बना लिए, नाउ हाउ टू इंक्लूड देम इन द सिंप, दोज प्रोसीजर ऑल्सो लेड डाउन। सो ये होता है आपका सिंप, ये होते हैं इंपॉर्टेंट 4 पार्ट सिंप के। अब बेयर विथ मी, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। सिंप जो है इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द शिप्स। नाउ इफ यू सी दिस इज 1st of January, शिप्स बिल्ट आफ्टर दैट आर न्यू शिप्स, बिल्ट बिफोर दैट आर एग्जिस्टिंग शिप्स। समझ में आई बात? 1 जनवरी 2013 के बाद जितने भी जहाज बने हैं वो न्यू शिप्स है, उससे पहले बने हुए एग्जिस्टिंग शिप्स है। अब एग्जिस्टिंग शिप्स को IEEC माने इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने को दे जस्ट हैव टू कंप्लाई विद सिंप। आई रिपीट, एग्जिस्टिंग शिप्स दैट इज शिप्स बिल्ट बिफोर 1st of January 2013 जस्ट रिक्वायर सिंप टू बी कंप्लाई टू ऑब्टेन IEEC विच इज अ मैंडेटरी सर्टिफिकेट बाय Annex 6, मापोल Annex 6 की वजह से ये मैंडेटरी सर्टिफिकेट है। अब देखते हैं न्यू शिप्स को, न्यू शिप्स को क्या करने का है। न्यू शिप्स माने जो भी शिप 1 जनवरी 2013 के बाद बने हुए हैं, उनको EEDI और सिंप दोनों कंप्लाई करने का है। जब दोनों कंप्लाई करेंगे तभी जाके उनको IEEC सर्टिफिकेट मिलेगा। बहुत सिंपल, न्यू शिप्स हैव टू कंप्लाई विद EEDI प्लस सिंप। आफ्टर दे कंप्लाई विद बोथ, फ्लैग विल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स एंड देन दे विल इशू IEEC दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफिकेट। दिस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड बाय मापोल Annex 6। आई होप यू हैव अंडरस्टूड सिंप, और कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट कर देना। थैंक यू। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस योर अपडेट्स, एंड प्लीज कमेंट फॉर एनी सजेशंस। थैंक यू।